साथियों को 29 तारीख को नरेला से पटना लंगर का सामान लेने के लिए जा रहे हैं दिल्ली में, और 360 का मुकदमा दर्ज इनके ऊपर करवाया, कल इनकी जमानत हुई है। कोई भाई दिल्ली में ना जाए, और हमने हर तरह से इनका विरोध करना है। और अगर दिल्ली पुलिस वहां पे आती है, मैं बता हटा हूँ पहले कि उनका शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तार करना है, बैठाने इज्जत मान भी देना है। दिल्ली च चल रहे किसान आंदोलन दौरान दिल्ली पुलिस वालों कई नौजवानों नु गिरफ्तार करके जेल च बंद किया गया है, जो कि हुन आए दिन जमानत ते रिहा होके बाहर आ रहे ने। ते जेल चो आंदे सार ही नौजवानों वालों बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे ने। अजिहे च बीती रात भी दो होर नौजवान जेल चो बाहर आए, जिन्हां नु किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने मुंडाल धरने वाली थां ते पहुंच के सन्मानित किया है। नाल ही गुरनाम सिंह चडूनी ने दस्या कि 29 तारीख नू दोवें नौजवान लंगर दा समान लैण लई नरेला गए सी, ते दिल्ली पुलिस ने उन्हां ते झूठा मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। साथियों, ये साथी हैं मलकीत सिंह, ये हैं गुरमीत सिंह, ये दोनों टोहाना के पास के हैं। गांव आपका हिम्मतपुरा गांव है टोहाना के पास में। इन दोनों साथियों को 29 तारीख को नरेला से पकड़ा लंगर का सामान लेने के लिए जा रहे थे दिल्ली में, और 360 का मुकदमा दर्ज इनके ऊपर करवाया, कल इनकी जमानत हुई है, और आज ही अपने गांव को जा रहे हैं। तो ये क्रूरता दिल्ली पुलिस की के लंगर, इनका कोई सबूत नहीं है, कोई इन्होंने गुनाह नहीं किया, कुछ इन्होंने अपराध नहीं किया, खाली नरेला में लंगर का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, और दोनों के ऊपर मुकदमा बना दिया गया, और कल ये वहां से छूटे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो क्रूरता है वो किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जैसे हमने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस कहीं पे जाती है तो वहां पे उनका विरोध करना है। 1700 किसानों के नोटिस आज के टाइम में आ चुके हैं, जिनको बुलाया गया है दिल्ली में। तो कोई भाई दिल्ली में ना जाए, और हमने हर तरह से इनका विरोध करना है। और अगर दिल्ली पुलिस वहां पे आती है, मैं बता हटा हूँ पहले कि उनका शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तार करना है, बैठाने इज्जत मान भी देना है, खाना भी देना है। लेकिन उनको ये वादा करवा के कि वो दोबारा गांव में नहीं आएंगे, तब जाके उनको वापस जाने देना है। तो हम इन भाइयों के अति आभारी हैं, और ये आपके सामने सबूत एक पेश करना चाहते थे कि इस तरह से जो है वो सरकार हमारे साथ जियातियां कर रही है। दस दी कि किसान आगुओं वालों लगातार ऐलान किया जा रहा है कि जेकर किसी भी किसान नौजवान दिल्ली पुलिस वालों नोटिस भेजा जाता है तो वो इंक्वायरी लिए पुलिस सामने पेश ना होवे। दस दी कि किसान आंदोलन सिखरां ते है, उन्हां वालों खेती कानून रद्द ना होण तक इसी तरह संघर्ष नूं जारी रखण दी गल आखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।